हेलो एवरीवन, आज के इस नए वीडियो में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, जो है कि आज जो ये आप टीवी देख रहे हैं, इसकी स्थिति कितनी गड़बड़ है। इससे गड़बड़ है स्थिति इसकी कि इसमें जो है कि इतना ज़्यादा कचरा हो चुका है दोस्तों। और तो टीवी में जो है कि धूल जमा होता है, लेकिन इसमें जो है कि सब मिट्टी एकदम बिल्कुल जम चुकी है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो फिलहाल आप सबसे पहले आप जान लीजिए एक कंपनी जो मतलब टीवी है किस कंपनी की है। तो आगे चलते हैं टीवी के, देखते हैं किस कंपनी की टीवी है। दोस्तों देख सकते हैं, और इस पर तो लोगो लगा ही नहीं है। तो टीवी की बैक बॉडी पर चलते हैं। टीवी की बैक बॉडी ये रही। तो ये वीडियोकॉन की जो है कि मॉडल नंबर देख सकते हैं, 3617 सीरीज। तो अब इसको क्या करना होगा हमको, इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले जो है कि इस सर्किट को आज हम धोएंगे फॉल्ट को। सबसे पहले लाइन लगाने से पहले, जो लाइट में लगाएं इससे पहले इसलिए लगा करेंगे क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कचरा जमा हुआ है मिट्टी की लाइट लगाने से ये सब शॉर्ट करने लगेंगे। इसलिए सबसे पहले इसको हम थिनर से धोने वाले हैं। तो ये रहा हमारे पास हमारा थिनर, तो चलिए इसी से हम पहले इसको धो लेते हैं। तो अभी दोस्तों सर्किट को अच्छी तरह से धोने के लिए हमने सर्किट को बाहर निकाल लिया है टीवी से। तो हम थिनर का यूज करके इसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, एक ब्रश ले लेंगे हम। तो चलिए साफ करते हैं थिनर को ही, आज हम पानी की तरह इसे बहाने वाले हैं। दोस्तों थिनर से हम इसलिए धोते हैं क्योंकि पानी से अगर धोएंगे तो जल्दी सूखेगा नहीं। थिनर से धोने पर यह सूख जाता है बिल्कुल आसानी, तो ये तो जानते हैं उड़ जाता है। थिनर हुआ, पेट्रोल हुआ, पेट्रोल से ही धो सकते हैं आप बिल्कुल। तो उसको धो लेते हैं, फिर हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से इसको धोएंगे। तो फिर दोस्तों आप देख सकते हैं टीवी कितने मतलब सर्किट इसकी कितनी मतलब अच्छी क्वालिटी की, क्वालिटी तो अच्छी है ही, मतलब कितनी साफ़ हो गई है देख सकते हैं। हमने इसको कितनी अच्छी तरह से धो दिया है, बिल्कुल ये साफ़ हो गई, चमकने लगी है। तो चलिए अब जो अगला हमारा था कि इसमें पावर लगा के हम चेक करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पीछे से जो है कि इसका जैक वगैरह सब सेट कर लिया है, सिर्फ इसमें पावर लगानी बाकी है। हमने तो पावर लगा के देख लिया था फिलहाल, लेकिन आपको भी दिखाना है क्या कंडीशन आगे निकलती है। अब तो चलते हैं टीवी के डिस्प्ले पर। तो ये देख सकते हैं फिगर आ रहा है, लेकिन जो है कि सिर्फ नीचे से इतना कटा हुआ है। तो इसके लिए जो है कि और आवाज़ में जो है कि किरकिरापन बिल्कुल, तो उसके लिए कोई भी हो सकता है, कोई कंपोनेंट हमारा टूट गया हो, तो उसके लिए हम इसको देखेंगे। तो साफ करने में थोड़ा सा ब्रश से इधर उधर लगेगा, तो ये सब थोड़े बहुत सामान ढील हो जाएंगे ढीले। और ये जो नीचे से जो छोटा रहा है हमारा, तो यहाँ इस वर्टिकल सेक्शन में जो है कि कोई कैपेसिटर या कोई रेजिस्टेंस लीकेज होगा, तो उसको हम देखेंगे। तो फिर दोस्तों हो सकता है आपको आगे की भी वीडियो मिले, तो क्योंकि अभी बहुत ये सब बारीक फॉल्ट हैं, तो इसको हम वैसे ही बना लेते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें झेलना पड़ता है, मतलब समय देना पड़ता है, तो इसी को अभी देखेंगे हम। तो आगे की वीडियो के लिए कैमरे को स्टैंड पर नहीं रखने वाले हैं, वीडियो को पॉज कर देंगे। तो फिर दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक फॉर वॉचिंग।